वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम सीखेंगे कॉलीफ्लावर मैक एंड चीज़ बनाना। बहुत ही ईजी, बहुत अमेजिंग रेसिपी है एंड यू वॉन्ट इवन रियलाइज कि जो हमारा बेस है वो हम सिर्फ कॉलीफ्लावर से बनाएंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी बनेगी ये। पर सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये है इसके इन्ग्रीडियंट्स, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल लिया है, जिसमें ये 1 कप पालक है जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से धो लिया है, काट करके बिल्कुल महीन काटा है, और इसे हम तब तक कुक करेंगे जब तक ये बिल्कुल रिड्यूस नहीं हो जाएगा। पानी इसका हमने बिल्कुल सुखा देना है। अब एक कढ़ाई में हम लेंगे बटर, जहाँ मैंने 1 से 2 टेबलस्पून बटर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे स्लाइस्ड अनियन, इसको बिल्कुल हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक ही हमने कुक करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फूलगोभी, जिसको हमने बहुत अच्छे से गर्म पानी में धो लिया है। फ्लोरेट्स का जो साइज़ होगा गोभी का, वो आप यूनिफॉर्म ही रखें, उससे कुक होने में आसानी होती है। छोटा बड़ा साइज़ होगा तो कुक प्रॉपरली नहीं होगा। इसमें हम स्वाद से हल्का कम ही नमक डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे ढक करके। अब आप चाहें तो आप इसे ये प्रोसेस कॉलीफ्लावर को कुक करने का माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए आप हर बार माइक्रोवेव में डालें और फिर निकाल करके इसे मिक्स करें और वापस से माइक्रोवेव करें, तो पूरे 5 मिनट के लिए हम इसे कर लेंगे ताकि ये सेमी कुक्ड हो जाए। दैट्स इट। अब गोभी को मैंने कुक करके निकाल लिया है। सेम पैन में मैंने ऐड किया है बटर 1 बड़ा चम्मच, और इसमें महीन कटे हुए लहसुन हमने ऐड किए हैं 1 बड़ा चम्मच। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़े से चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स थोड़ा कम ही ऐड करें, बिकॉज दिस इज़ मोर ऑन अ प्लेन चीज़ी साइड रादर दैन थोड़ा स्पाइसी, बट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऑलवेज सीजनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थाइम, रोजमेरी और पार्सले, तीनों ड्राइड है, 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, और इन सबको डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मेक श्योर कि जो हमारी आँच है वो धीमी ही रहे, अदरवाइज़ ये चीज़ें जल सकती हैं। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रेश क्रीम अमूल का 200 ml। कोई फैंसी क्रीम हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल अमूल की फ्रेश क्रीम, और इसे डाल करके हम एक बार कर देंगे अच्छे से मिक्स। अब मिक्स करने के बाद ये जो बटर है और सारी जितने भी हमने सीजनिंग्स डाली थी वो सारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक स्पेशल अमूल चीज़ स्प्रेड जो आता है पंची पेपर, वो 1 बड़ा चम्मच, और शेडार चीज़ मैंने ऐड किया है यहाँ पे 2 बड़े चम्मच। आप चाहें तो चीज़ कोई भी अपने टेस्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं, बट शेडार चीज़ से मुझे लगता है टेस्ट बहुत ही डिफरेंट आता है मैक एंड चीज़ में। एंड हम इसे तब तक ही कुक करेंगे लो फ्लेम पर जब तक कि हमारा चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता है बिल्कुल प्रॉपरली। चीज़ मेल्ट होने के बाद ये हमारी क्रीम रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी वो जो पालक हमने कुक करके रखा था वो, और इसको डाल करके हम बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि पालक बिल्कुल अच्छे से हमारे इस क्रीम में मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे वो कॉलीफ्लावर जो हमने कुक किया था, और इन सबको डाल करके हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इस स्टेज पर आप एक बार इसे ज़रूर टेस्ट कर लें, अगर आपको इसमें नमक या काली मिर्च कुछ मसाले एडजस्ट करने हैं तो आप कर सकते हैं इसमें, एंड क्रीम भी अगर आपको इसमें ज़्यादा डालना है और तो वो भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं पाइन नट्स 1 बड़ा चम्मच, जिसको मैंने क्रश कर लिया है बहुत ही अच्छे से। तो चलिए इसे अब हम बेकिंग ट्रे में डाल लेते हैं। इस कॉलीफ्लावर के मिक्सचर, कॉलीफ्लावर क्रीम के मिक्सचर को हमने एक बेकिंग ट्रे में डाल लिया है, और इसे हम अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे वो पाइन नट्स जो हमने बिल्कुल महीन कर रखे थे वो, और
इसमें आप चाहें तो वॉलनट्स या अपने पसंद के कोई भी नट्स को महीन कर डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। एंड इसके ऊपर हम थोड़ा सा शेडर चीज़ भी डालेंगे ग्रेटेड, और इसे हम माइक्रोवेव करेंगे 10 मिनट्स के लिए। दो स्टैंड्स होते हैं जनरली माइक्रोवेव में, मेरे माइक्रोवेव में है, तो मैं पहले 10 मिनट नीचे वाले स्टैंड पे रख के इसे माइक्रोवेव करूँगी, फिर 2 मिनट ऊपर वाले स्टैंड पे, ताकि जो चीज़ है उसमें एक बहुत ही सुंदर सा गोल्डन ब्राउनिश कलर आ जाए। तो ये देखिए मैक एंड चीज़ हमारा रेडी है, और कितना क्रीमी, कितना हेल्दी मैक एंड चीज़ बना है, ज़रूर ट्राई करें।